सवी, मैं बस देखने आई थी तू सो रही है या नहीं। बस सो ही रही थी। सो रही थी या रो रही थी? सवी सच सच बता, बात क्या है? सवी तुझे हाजी अजूबा की याद आ रही है या कोई और बात है? देख सवी, कोई ऐसी बात है क्या जो तुम मुझे बताना चाहती है और मुझसे छुपा रही है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने अभी के बारे हरनी या किसी को कुछ भी बताया ना, तो इसका हर जाना तेरी बहन को भुगतना पड़ेगा। ना ही मैं हरनी को स्वीकारूं, ना ही उसके होने वाले बच्चे को। तेरी बहन दर दर की ठोकरे खाएगी पेट में बच्चे लेके। डरने की कोई बात नहीं है भाई, बस वही वजह है और कोई वजह नहीं है। अच्छी सुबह की याद आ रही थी। अब तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तुझे पता है सभी, मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी वाली बात किरण को बता दी। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। आज पहली बार उसने मुझे प्यार से गले लगाया, मेरा ख्याल भी रखा। सभी मैं जानती हूँ ये बच्चा ना हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्ते में एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। किरण का ये बर्ताव देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। पता है मेरा मन क्या कर रहा है कि सबको ना ये बात बता दूँ जल्द से जल्द। चल अब तो सो जा, सुबह आजी अजूबा को ये बात भी तो बतानी, वो भी कितने खुश हो जाएंगे ना। गुड नाइट ताई। हाँ गुड नाइट। आराम से सो जा। अगर ये बात ताई को बताई तो संभाल नहीं पाएगी खुद को। अपने इंसाफ के लिए उनके होने वाले बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, उसका भविष्य दांव पे नहीं लगा सकती।